माड़े माहौल उस समय तनाव पूर्ण हो गया जदों हथियारों के नाल लैस हो के पांच ने साथियों नूं नाल लिया के अपने मामे ते हथियारों के नाल हमला कर दिता, जिस दौरान मामा जख्मी हो गया। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए जख्मी व्यक्ति ने दस्या कि हमला करने वालियां चो एक दा नाम जतिंदर सिंह है, जो कि पिंड कुकड़ां दा रहण वाला है। अते उन्होंने दस्या कि बीते दिन भांजे नाल विआह नूं लै के तकरार चल रहा सी, जिस दे चलदे उन्होंने उस ते हमला कर दिता। मेरे हुणे 10 मिनट आधा घंटा पहलो मेरे बैस बोला ते हमला किया। दो दिन जी तीन जने सीगे अशोका जनता वालियां दे जनता टायर वालियां दे सामने, तो मेरे बहुत ज़्यादा जाने के मैं कोई पता नहीं सीगा। मेरे सिर पर हेलमेट पाया से, जो ना पाया हूँ हो सकता मेरे सिर भी मार सकते। किन्ने व्यक्ति सी? दो तीन जने से जी, हम पता नहीं कोई पिछे होर भी हो सकते हैं, उन्हों का नहीं पता। जाने नाम वगैरह है? एक जिन्हें मेरे मारिया वह नाम जतिंदर सिंह आ, सन ऑफ जसवीर सिंह। कितने का वासी है? वासी पिंड कुकड़ा, कुकड़ा बीड़ा सैला खुरद दे। अनपछाते? हाँ जी, बाकी अनपछाते जी, वह मैनू या वह नाम मैं याद आ जी, वो बंदा वे सी। ते किन्ने क बजे होया? ए जी 8:30 बजे के करीब। तुसी कत्ते सी? मैं स्कूटरी ते सी, मैं खड़ा फोन लाण लगा सी किसे नूं, ते इन्नी बजे पिछों मैनू नहीं पता कि किहड़े वेले आए मेरे ते हमला करता जी। तुसी कित्थे ते रहण वाले? मैं मोहल्ला कौलसार दा रहण वाला जी। ते किन्ने क बजे तुहाडे मतलब कि पुलिस नूं जानकारी दित्ती सी? नहीं, मैं फिलहाल तो मैंने आम मुंडे मैंने चौके हॉस्पिटल ले आए जी, क्योंकि पुलिस में जानकारी तो इतने होने डॉक्टर साहब सदन के पुलिस में जाए। कोई पुरानी रंजिश वगैरह कोई हो? कोई नहीं जी, हले कल ही गलबात हुई सी, क्योंकि भांजा ही सीगा वो मेरा। तो की गलबात हुई? गलबात कुछ नहीं जी, बस विआह तो गल बिगड़ी सी। असीं विआह भांजी दा सी, कहिंदे सी इत्थे करना, उह कहिंदे सी उत्थे करना, यही फर्क सी। उन्नी वे धक्के उत्थे करता सी, अपना जो भी साडा समान सी, साडा जानवर सी उत्थे असी लैण गए इन्नी। तो कल मैनू उत्थे भी जाने के गुंडे ने बदमाश लिया के घेरिया, मेरी माता ने भी गाली गलोच किया। तो इत्थे आके हुण अज सवेरे भी मैं राती घरे आके फोन किया उन्हूं, मैं भी जाने के कहा भी तू मैनू इत्थे घेरदा सी, भी असी तुहाडा की पैसे भी ले आ, भी पैसे साडे वापस दे दिओ। ब्याज पैसे लैके दिते सी। किन्ने पैसे दिते सी? 10,000 रुपया जी ब्याज ते। किसी ने फड़ाया सी उन्हां नूं, आई किसी तो लैके दिते सी, उन्हां नूं जरूरत सीगी, क्योंकि गड्डी दीआं कैस्तां रुकीआं सी स्कूटरी दीआं, इस करके कहिंदे साडी स्कूटरी चुक के लै जाणी आ। पर हुण उह भी मुकर गए, तां उह जानवर दे तां वी मुकर गए। कल सानूं उत्थे जाणी कि रस्ते दे विच घेरिआ उन्हें। प्रशासन कोल की मंग रखदे सी? बस जी इंसाफ दी, ते उस बंदे नूं सज़ा मिलनी चाहीदी आ, साडी चीज़ सानूं वापस मिलनी चाहीदी आ, उन्होंने इदा की सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ किसी के नाल इदा जाने के धोखा धड़ी किसी के गुंडागर्दी ना करे, की पता नशे नुशे करके कुछ करता हो जी, कल चोरियां भी करूंगा जो अज नशे करता है इदा हमले करता। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। दुख तो ना घबराओ, सानू फोन लगाओ। गुरु अजमेरी बाबा जी। MBA करन तो बाद नौकरी दी मैं इधर उधर बहुत धक्के खाए, पर मेरी कितने भी कोई गल नहीं बनी। फिर एक दिन मैनू मेरे यार दोस्त ने बाबा जी बारे दस्या। फिर की फिर मैं बाबा जी को ले गया। बाबा जी की ऐसी मेहर, उन्होंने तो मेरी अखा ही खोल दी। अज देखो मैं नौकरी नहीं अपना बिजनेस कर रहा। धन्यवाद बाबा जी। काले इलम नाल कुछ घंटिया च ही समाधान गारंटी दे नाल। हर इलम दे माहिर। मैं अपनी लव मैरिज लेके बहुत परेशान सी, बहुत जगह जगह घूमी पर कोई समाधान नहीं मिलिया। फिर मैनू किसी ने बाबा जी दे बारे दस्या। मैं बाबा जी दे दरबार गई। बाबा जी ने तो कुछ घंटिया विच ही मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिता। मेरा रिहा उत्थे पक्का हो गया जिथे मैं चाहती सी। मैं दिलों धन्यवाद करदी हां बाबा जी। जिस तरह नौकरी कारोबार विदेश यात्रा ग्रह क्लेश लव मैरिज समस्या जादू टोना कीता कराया सौंकण दुश्मन दा सर्वनाश करवाओ, वो भी घर बैठे वशीकरण मुटकरनी दे सुपर स्पेशलिस्ट। मेरा हमेशा घर विच लड़ाई झगड़ा चलता रहिंदा सी। मेरी घर वाली सोचती सी कि मेरा किसी होर नाल चक्कर चल रहा है। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मैं बाबा जी दे दरबार चला गया, तो बाबा जी ने मैनू एक छोटा जिहा उपाय दस्या। उस उपाय दे नाल मेरी जिंदगी खुशहाल रहने लगी। धन्यवाद बाबा जी। अज ही मिलो गुरु अजमेरी बाबा जी नूं, जिन्हां दा मोबाइल नंबर है 9815460154 लुधियाना।